Hey, what's up guys? क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे. गाइज, काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो शूट कर रहा हूँ. कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन गाइज आज हम दोबारा से एक नए प्लेस पे, नई जगह पे आए हैं, जो कि हरियाणा के यमुनानगर जिला है, जो उसके पास एक कस्बा पड़ता है बूढ़िया. आप लोगों ने सुना भी होगा, माना जाता है कि बूढ़िया वो जगह है जो बीरबल है. बीरबल के बारे में सभी जानते हैं, जो शहंशाह अकबर के मुख्य सेनानायक थे, उनके मुख्य सलाहकार, उनके मंत्री भी थे. तो माना जाता ये उनका बर्थ प्लेस है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था. तो उसी वजह से जो शहंशाह अकबर थे, उन्होंने उनके लिए एक रंग महल बनवाया था. लगभग आज से 500 साल पहले रंग महल बनवाया था. तो गाइस देखिए, ये है गाइस वो रंग महल जो आज से 500 साल पहले शहंशाह अकबर ने बीरबल के लिए बनवाया था गाइस. लेकिन अब आप देख सकते हो उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं है, खस्ता रहता है. गवर्नमेंट का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना कोई पुरातात्विक विभाग है जो उसका भी कोई ध्यान नहीं है गाइस. लेकिन फिर भी हम देखने में थोड़ा स्केरी भी लग रहा है, डरावना भी लग रहा है. पता नहीं अंदर क्या होगा, कोई सांप है, बिच्छू, क्या जो भी है, जंगलों के बीच में है, काफ़ी झाड़ियाँ खड़ी है. लेकिन गाइस फिर भी हम डेर करके आप लोगों के लिए दिखाने आए, क्योंकि बीरबल का काफ़ी नाम है इतिहास में. दिखाता हूँ आपको. वेलकम गाइस, वेलकम टू द रंग महल ऑफ बीरबल. आप देख सकते हो ये है वो कलाकारी, वो सिविल इंजीनियरिंग, वो नक्काशी जो आज से 500 साल पहले की गई है. आप देख सकते हो पूरे की पूरी चिनाई है जो चुने में की गई है, छोटी ईंटों के साथ. और छत भी देख सकते हो, छत पे कोई सरिया, कोई सीमेंट, कोई कंक्रीट नहीं यूज किए गए उस टाइम पे. ये सब छत जो है वो भी आप देख सकते हो वो ईंटों से ही बनाया गया है छत पूरा. और ये लगता है यहाँ पर उनकी उस टाइम में सभा लगती होगी, कुछ ऐसे ही प्लेस लग रहा है. तो अभी तो काफ़ी हालत खराब है इसकी, छत देख सकते हैं ऊपर. भाई थोड़ा ऊपर दिखाना, आप देख सकते हो आज से 500 साल पहले बनने के बावजूद भी आज भी बहुत अच्छी तरह से खड़ा है, और लगता है अगले 500 साल तक भी ऐसे खड़ा रहेगा. आज नीचे का हमने फ्लैट आपको दिखा दिया है, अब ऊपर चलते हैं. ऊपर भी दूसरी मंजिल है. और ये उस टाइम उस जमाने की आप सीढ़ियाँ देखिए, उस टाइम पे भी जैसे आज बनाते हैं उसी टाइप से है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, टूटी फूटी है. गाइस आप देख सकते हो जैसे ये नीचे है सेम ऐसे ही ऊपर है.
और वही छत वही सब कुछ। देखा जो मैंने आपको नीचे दिखाई थी, यहाँ पर लगता है यहाँ पर सब अलग थी, ये वही जगह है नीचे भी मैंने दिखाया था आपको। और यहाँ पर आपको छत बिल्कुल क्लियर दिखेगी कि किस तरह से उस टाइम पे छत को बनाया जा रहा था। मैंने आपको नीचे भी दिखाया था लेकिन वो साफ नहीं दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल साफ दिखाई गई। यहाँ पर छोटी ईंटें है और चूने से चुनाई की है, कोई सरिया कोई सीमेंट कोई कंक्रीट नहीं यूज किया गया फिर उस टाइम पे। फिर भी ये इतने सालों से ऐसे कैसा पड़ा है अभी तक, खस्ता हालत हो गया, लेकिन वो तो बीच में कोई मेंटेनेंस नहीं से ढूंढ नहीं है इसका, इस वजह से थोड़ी खस्ता हालत है। लेकिन फिर भी उस टाइम की सिविल इंजीनियरिंग आप देख सकते हो, उस टाइम की सिविल इंजीनियरिंग क्या सिविल इंजीनियरिंग थी। और ये नक्काशी देखिए उस टाइम की, ये देखिए कि किस तरह का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ। इधर तो आप देख सकते हो इधर कोई मेंटेनेंस डूल ना होने वजह, कोई देख देख ना होने, इधर से जो इसकी छत गिर चुकी है आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई छत नहीं है, टूट चुकी है बरसात से, जो भी प्राकृतिक जो भी इफेक्ट पड़ता है उसकी वजह से टूट चुकी है। अगर ऐसे ही रहा कोई देख रेख ना रही इसकी तो मे भी कुछ सालों में बाकी सब इस महल को प्राकृतिक जो भी आपदा होते हो इफेक्ट करने लग जाएंगी। हे गाइस आइए मेरे साथ, अब हम जाएंगे इस महल की छत के ऊपर टॉप पे, जो कि टेरेस को बोलते हैं जिसको, आइए। अब हम आ चुके हैं इस महल के टॉप पे, इसकी छत पे, और आप देख सकते हो कितनी झाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है, कितना घास फूस कितनी झाड़ियाँ, ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इसकी आज खस्ता हालत है, क्योंकि झाड़ियों की तो ऑब्वियसली से बात है जो कि पानी रिसेगा उससे डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है इस वीडियो के द्वारा कि कृपया करके इस 500 साल पुरानी धरोहर को बचाने के लिए कृपया इसको अपने अंडर ले, या पूरा तात्विक विभाग है जो वो अपने अंडर ले, इसकी देख रेख कीजिए, क्योंकि अगर इसकी इस तरह से ही कोई हालत रहे बनी रहेगी तो मैं मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक ये थोड़ा सेफ रहेगा। और कहीं हम एक इतनी पुरानी बीरबल जो इतने मशहूर थे, जो इतने इंटेलिजेंट, उनको सबसे बुद्धिमान माना जाता है उस टाइम पे, उनकी इस धरोहर को जो बची हुई है खोना दे। उस टाइम पे तो पता नहीं है महल कहाँ पे होगा, लेकिन अब जो इसकी लोकेशन है ये बिल्कुल आसपास देख सकते हो आप, इसके आसपास खेत ही खेत है, इधर गांव भी है, इधर भी गांव, इधर रोड, आसपास खेत ही खेत है, हम खेतों से निकल के ही इस महल तक पहुँचे हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कृपया करके लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके एक लाइक से ही हमें नई नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है गाइस, तब तक के लिए आप फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आसपास फैल रखिए, तब तक के लिए गुड बाय।